नमस्कार, आप देख रहे हैं एनयू न्यूज़। और खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बरेली के थाना किला क्षेत्र के विकलांग दंपति के आरोप हैं कि उनकी विकलांगता का फायदा उठाते हुए पड़ोस के ही कुछ लोग उनको कर रहे हैं बार बार तंग, और मकान छीनने की नीयत से उनके घर में घुसकर करते हैं मारपीट। आइए दिखाते हैं किस तरह से विकलांग दंपति अपनी दुख भरी कहानी बयान कर रहे हैं बरेली के किला थाना क्षेत्र से। नाम है आपका? रीता। कहाँ पे रहती हैं आप? किला चौकी के पास में। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे हमारा मकान हथियाने के चक्कर में किशोर और उनकी बाइक और उनके परिवार वाले हमसे बहुत झगड़ा करते हैं। कल उन्होंने हमारे घर में घुस के मारपीट करी। हम भी विकलांग है, हमारे पति भी विकलांग है, और वो हम लोगों से लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने थाने में की? जी, हम दो तीन बार थाने जा चुके हैं, पर हमारी बात पे कोई गौर ही नहीं देता है। वो लोग भी कह देते हैं जाओ हम देख लेंगे, समझा देंगे उन लोगों को। हमारी जो पखाने की ईंटें थी वो सब तोड़ दी गई हैं, हमने तोड़ दी। अच्छा अच्छा, आप क्या काम करते हैं, आप कुछ करते हैं? साइकिल का काम करता हूँ, और साइकिल का काम करता हूँ हनुमान मंदिर के सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी? शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज आपने एसएसपी ऑफिस में जो है शिकायत पत्र दिया है? हाँ, एसएसपी ऑफिस में शिकायत का वो दिया है पत्र। चलिए ठीक है, ये जो लोग हैं दो, इन लोगों के घर पे अवैध कब्जे को लेकर के इन्होंने शिकायत जो है एसएसपी ऑफिस में की है, और इनकी कोई भी सुनवाई थाने में शिकायत करने के बाद भी नहीं हो पाई। सोहेल अनवर की एक रिपोर्ट सुधांशु पांडे के साथ।